सो ही गेमर्स, कैसे हो यार आप लोग। होपफुली सारे के सारे मजे में होंगे। और फाइनली हमारे गेम के अंदर BTS का न्यू एक्सचेंज इवेंट आ चुका है। और गाइस, इस एक्सचेंज इवेंट के अंदर आप लोगों को मिलने वाला है BTS का क्रिस्टल टोकन बिल्कुल ही फ्री में, जो कि यार अभी आप लोग देख पा रहे। वैसे यार मैंने आप लोगों को पहले की वीडियो के अंदर भी तो बताया ही था कि 2 अप्रैल को हमारे गेम के अंदर न्यू एक्सचेंज इवेंट आने वाला है, जिसके अंदर से आप लोग नियॉन स्टिक टोकन के बदले BTS का क्रिस्टल टोकन एक्सचेंज कर सकते। तो गाइस फाइनली ये इवेंट हमारे गेम के अंदर आज 2 अप्रैल को आ चुका है। बस आप लोगों को यहाँ पर करना क्या है ना, 100 टोकन को आप लोग कलेक्ट करना। जो ये नियॉन स्टिक का टोकन अभी आप लोग देख रहे हो ना, इसे आप लोगों को 100 टाइम कलेक्ट कर लेना है, मतलब 100 टोकन आप लोग कलेक्ट करना है। और जैसे आप लोग 100 टोकन कलेक्ट कर लोगे, आप लोग इजीली यहां से इस वाले BTS क्रिस्टल टोकन को एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है। अब गाइस देखो, इस सिचुएशन में बहुत सारे जो बंदे हैं ना, वो ये सब रिवॉर्ड्स को, मतलब जो नॉर्मल रिवॉर्ड्स है उसे एक्सचेंज कर चुके हैं, तो उनके पास नियॉन स्टिक टोकन ज्यादा कुछ नहीं है। तो वो लोग सोच रहे कि यार अब हम लोग अनलिमिटेड नियॉन स्टिक टोकन कैसे ले, क्योंकि यार हमें इस वाले BTS क्रिस्टल टोकन को एक्सचेंज करने के लिए 100 नियॉन स्टिक टोकन की जरूरत पड़ने वाली है। तो हम लोग 100 नियॉन स्टिक टोकन कहां से कलेक्ट करेंगे, तो गाइस सारा कुछ मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और गाइस उसी के साथ साथ देखो, आप लोगों को एक यहां पर टोकन तो मिल जाएंगे, लेकिन और भी यहां पर BTS का क्रिस्टल टोकन कैसे मिलेगा फ्री में, वो भी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। तो चलो यार फटाफट से आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और मैं आप लोगों को इस इवेंट के बारे में फुल डिटेल्स के साथ बता देता हूं। लेकिन उससे पहले आप सब से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे इस चैनल पहली बार आ रहे हो, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट जरूर से कर देना। वेल गेमर्स, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अनलिमिटेड नियॉन स्टिक टोकंस के बारे में, क्योंकि यार आप लोगों को BTS क्रिस्टल टोकन को एक्सचेंज करने के लिए 100 नियॉन स्टिक टोकंस की जरूरत पड़ने वाली है, जो कि यार अभी आप लोग देख पा रहे होंगे। तो गाइस ये जो टोकन है वो आप लोगों को मैप के अंदर कहां पर मिलेगा और कैसे आप लोगों को अनलिमिटेड कलेक्ट करना है, वो मैं आप लोगों को सबसे पहले बताता हूं। तो गाइस देखो, सबसे पहले ना आप लोगों को यहां पर ज्यादा से ज्यादा लोन वोल्फ मोड खेलना है, क्योंकि आज आप लोगों को लोन वोल्फ मोड या फिर किसी भी मोड को खेलने के बाद आफ्टर मैच ड्रॉप के बाद 2 टोकन मिलने वाला है, क्योंकि आज है 2 अप्रैल और आप लोग कैलेंडर के अंदर साफ साफ देख सकते हो यहां पर मेंशन किया गया है नियॉन स्टिक टोकंस के बारे में, जो कि यार मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। अगर आप लोग यहां पर आओगे, यहां पर आप लोग आओगे तो देखो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है 2 अप्रैल से आप लोगों को 16 अप्रैल तक आफ्टर मैच ड्रॉप के बाद 2 टोकन मिलने वाला, जो कि यार अभी आप लोग देख पा रहे। तो सबसे ज्यादा आप लोगों को लोन वोल्फ मोड खेलना है, ठीक है। अगर आपके पास नियॉन स्टिक टोकंस ज्यादा नहीं है तो आप लोग लोन वोल्फ मोड खेलो, ये आप लोगों को कम टाइम के अंदर ज्यादा टोकंस देगी। तो आप लोग लोन वोल्फ मोड ज्यादा खेलना, नहीं तो अगर आप लोग 50 बंदों वाला मैप खेलना चाहते हो तो उसे भी खेल सकते हो, वो भी आप लोग के लिए बेस्ट होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर भी आप लोग आफ्टर मैच ड्रॉप के बाद टोकन मिलेगा और साथ साथ मैप के अंदर भी गिरा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग मैप के अंदर भी खोज सकते हो। तो आप लोगों को लोन वोल्फ अगर नहीं खेलना है तो आप लोग 50 बंदों वाला मैप खेल लो, और 50 बंदों वाला मैप में आप लोग क्लासिक मोड खेलना है, ठीक है। और क्लासिक मोड में आप लोग ज्यादा ज्यादा टोकन को कलेक्ट करना, बंदों से फाइट मत लेना, ठीक है। तो ज्यादा ज्यादा टोकन को कलेक्ट करने में फोकस करना और आप लोग को बहुत सारे टोकन मिल जाएंगे। और टोकन को यहां पर कलेक्ट करने के बाद आप लोग इजिली आना एक्सचेंज पार्ट 2 के अंदर, और आप लोग यहां पर 100 टोकन होने के बदले यहां पर BTS क्रिस्टल टोकन को इजीली एक्सचेंज कर पाओगे, ठीक है। वैसे गाइस आप लोगों को इतना टेंशन लेना नहीं है, ये जो इवेंट है वो पूरे 16 अप्रैल तक चलने वाला है, मतलब बहुत टाइम है, तो आप लोग इजीली इस इवेंट को कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है और ये BTS क्रिस्टल का टोकन आप लोगों को जरूर मिल जाएगा। और गाइस अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा BTS का क्रिस्टल टोकन आप लोगों को कैसे मिलेगा। तो गाइस देखो, इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि यार अभी हमारे गेम के अंदर ऐसा कोई इवेंट नहीं आया है, लेकिन कल हमारे गेम के अंदर एक नया इवेंट आएगा फेडरेट व्हील का। अब आप लोगों को बताइए फेडरेट व्हील के अंदर क्या होता है, उसके अंदर 9 डायमंड और 19 डायमंड का स्पिन होता है, और अगर आप लोग लकी हो गए तो 9 डायमंड के अंदर आप लोगों को BTS का क्रिस्टल टोकन मिल सकता है, जो कि यार बहुत ही ज्यादा कमाल की बात है। तो आप लोगों को वेट करना है, कल हमारे गेम के अंदर न्यू फेडरेट व्हील आने वाला है। और गाइस उतना ही नहीं, 9 तारीख को ना हमारे गेम के अंदर डिस्काउंट इवेंट आएगा, जो कि यार BTS क्रिस्टल टोकन का होगा। आप लोगों को पता है स्टोर के अंदर BTS क्रिस्टल टोकन आ चुका है, अगर आप लोग न्यू वाले सेक्शन के अंदर आओगे तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा BTS क्रिस्टल टोकन, जो कि यार आप लोगों को 999 डायमंड के अंदर दिया जा रहा है। तो अभी आप लोग स्टोर के अंदर आकर इसे बिल्कुल भी परचेज मत करना। अभी आप लोग अगर डिस्काउंट कूपन भी लगाना चाहो तो 100 का डिस्काउंट कूपन लगा सकते हो, लेकिन फिर भी मिनिमम 899 डायमंड आप लोग को देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग 9 तारीख तक वेट करोगे ना, तो 9 तारीख को ये आप लोग को 499 डायमंड के अंदर मिलने वाला है, जो कि यार ऑलमोस्ट काफी ज्यादा कम है, लेकिन यार फिर भी 500 डायमंड बहुत ज्यादा होता है। तो यार इतना आप लोग कुछ भी नहीं करना, अगर आप लोग को 1-2 टोकन और एक्स्ट्रा चाहिए तो आप लोग को थोड़ा सा और वेट करना है। और गाइस उसी के साथ साथ आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा 10 तारीख को एक लकी व्हील का इवेंट। अब आप लोगों को पता ही होगा लकी व्हील का इवेंट कैसा होता है, उसके अंदर सिर्फ 1 डायमंड के अंदर आप लोगों को BTS क्रिस्टल टोकन मिलने वाला है। जी हाँ मेरे भाई, अगर आपका लक बहुत ही अच्छा है ना, तो सिर्फ 1 डायमंड के अंदर आप लोगों को BTS का क्रिस्टल टोकन मिल जाएगा, जो कि यार ऑलमोस्ट फ्री का ही है, ठीक है। तो एक फ्री टोकन तो आप लोगों को नियॉन स्टिक टोकन के बदले मिल जाएगा, और एक आप लोगों को लकी व्हील के अंदर मिल जाएगा। अगर आप लोग लकी हो गए तो आप लोगों को 1 डायमंड के अंदर ही यहां पर बिल्कुल ही फ्री, मतलब 1 डायमंड फ्री ऑलमोस्ट फ्री ही होता है, तो फ्री में आप लोगों को BTS का क्रिस्टल टोकन मिल जाएगा। तो 2 टोकन आप लोगों को बिल्कुल
डे फ्री मिलने वाला। आई होप मैंने आप लोगों को सारा कुछ बता दिया। आप लोगों को आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट के अंदर जरूर से बताना। वैसे यार इतना आप लोगों का बकाना नहीं है, धीरे धीरे आप लोगों को इवेंट्स को कंप्लीट करना है हमारे गेम के अंदर। और भी बीटीएस स्पेशल के इवेंट आने वाले हैं जिसके अंदर से आप लोगों को बीटीएस स्पेशल टोकन निकाल लेना है, ठीक है। तो गाइस बहुत ही इजी वे में, बहुत ही कम डायमंड में आप लोग बीटीएस स्पेशल निकाल सकते हो, जो कि यार मैंने आप लोगों को सारा कुछ बता दिया। तो आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर देना। तो मिलते किसी और नई वीडियो के अंदर।